देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। अब इसरो के वैज्ञानिक जुट गए हैं एक और नई खोज में। आपको बता दें कि ये खोज किसी और के लिए नहीं बल्कि इस जांच में जुटे हुए हैं कि आखिर विक्रम लैंडर की लैंडिंग में गड़बड़ी कहां हुई, कैसे हुई और क्यों हुई थी। और अब इसरो के वैज्ञानिकों ने लंबा चौड़ा डेटा खंगालना शुरू कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम की लैंडिंग आखिरी पलों में गड़बड़ हो गई थी और ये दिक्कत तब शुरू हुई जब विक्रम लैंडर चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर ऊपर था। लेकिन अब वैज्ञानिक विक्रम लैंडर के उतरने के रास्ते का विश्लेषण कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सब सिस्टम के परफॉर्मेंस डेटा में कुछ राज छुपा हो सकता है जो कि लिक्विड इंजन का जिक्र बेहद अहम है। विक्रम लैंडर की लैंडिंग में इसका अहम रोल रहा है। वहीं अगर सिग्नल की बात करें तो वैज्ञानिक उन सिग्नल और उत्सर्जन संकेतों की जाँच कर रहे हैं जिससे कुछ गड़बड़ी का पता चल सकेगा। इसमें सॉफ्टवेयर की समस्या, हार्डवेयर की खराबी भी शामिल हो सकती है। इसमें आखिरी के 2.1 किलोमीटर के आंकड़े सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वहीं विक्रम लैंडर के सेंसर ने कई डेटा कमांड सेंटर को भेजे थे जिसमें चांद की सतह की तस्वीरें सहित कई डेटा शामिल हैं। इस पर इसरो की टीम काम करने में जुट गई है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर विक्रम ने क्रैश लैंड किया है तो उसके उपकरणों को नुकसान पहुंचा हुआ होगा, लेकिन अगर ऑर्बिटर के जरिए सही दिशा में लैंडर ने संपर्क करने की कोशिश की जाए तो संपर्क स्थापित हो सकता है। वहीं ऑर्बिटर में ऐसे कई उपकरण हैं जिनके पास चांद की सतह को मापने, तस्वीरें खींचने की क्षमता है। अगर ऑर्बिटर ऐसी कोई भी तस्वीर भेजता है तो लैंडर के बारे में जानकारी मिल सकती है। साथ ही इस जांच से पता चलेगा कि विक्रम लैंडर की लैंडिंग में आखिर खामी कहां आई थी। वहीं दूसरी ओर एजेंसियों से मदद भी ली जा सकती है, जैसे कि स्पेस स्टेशन टेलीस्कोप से विक्रम लैंडर से जुड़ी जरूरी सेंसर डाटा को लिया जाए ताकि विक्रम लैंडर की लोकेशन का पता चल सके। तो दर्शकों फिलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों की कोशिश फिर क्या काम लाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।